हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईबीएस शिमला। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज एचपी जीके के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन जो सबॉर्डिनेट बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोहतांग लिटरली मींस, रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन है हमारे पास, हीप ऑफ डेड, यंग माउंटेन, ब्यूटिफुल बर्ड या नन ऑफ दीज। जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हीप ऑफ डेड। रोहतांग पास को हीप ऑफ डेड भी बोला जाता है, शवों का ढेर भी बोला जाता है। अब देखिए, रोहतांग पास सबसे पहले विजिट करा था मूरक्राफ्ट ने 1820 में, और इन्होंने रोहतांग पास को बोला था रीटांग का जोत। अब देखिए, ये हमारे पास रोहतांग पास, और यहां से हमारी चलती है ये, यहां से लाहौल के टैलिंग विलेज तक अटल टनल। यहाँ पे हमारा अटल टनल का साउथ पोर्टल है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोर्टल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री और गोम्पा इज फुली मेड ऑफ। गुरु घंटाल गोम्पा पूरी तरह से किसका बना है? ऑप्शन है हमारे पास, वुड, स्टोन, मेटल या नन ऑफ दीज। लकड़ी, पत्थर, धातु या इनमें से कोई नहीं। जो गुरु घंटाल गोम्पा है वो हमारा पूरी तरह से वुड मतलब लकड़ी से बना हुआ है। अब जो हमारा गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है ये टांडी ब्रिज के पास है, जहाँ पे हमारी चंद्रा और बागा रिवर आके मिलती है। चंद्रा और बागा रिवर हमारी मिलती है आके टांडी में, तो वहीं पे उसी के आसपास हमारा क्या है, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मियां अवतार सिंह वाज फेमस वजीर ऑफ द स्टेट। मियां अवतार सिंह किस रियासत के प्रसिद्ध वजीर थे? ऑप्शन है कुल्लू, नूरपुर, चंबा या बिलासपुर। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चंबा। अब देखिए, ये जो मियां अवतार सिंह थे, ये जो चंबा के राजा श्री सिंह थे 1857 के रिवोल्ट के टाइम उनके वजीर थे। श्री सिंह हमारे ब्रिटिशर्स के काफी लॉयल थे, इसलिए इन्होंने 1857 के रिवोल्ट के टाइम जो ट्रूप्स थे वो अंडर मियां अवतार सिंह के अंडर भेजे थे ट्रूप्स, ताकि वो हेल्प कर सके ब्रिटिशर्स की एट डलहौजी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स इन एचपी इज नियर। हिमाचल प्रदेश में सीएसआईआर परिसर किसके समीप स्थित है? ऑप्शन है नाहन, मंडी, रेणुका या पालमपुर। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन डी मतलब पालमपुर। पालमपुर में हमारा, पालमपुर के पास हमारा सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर अपॉइंटेड टू रेंडर सर्विसेज टू चंबा इन 1863। देखिए, 1863 में मेयर ब्लेयर रीड को अपॉइंट करा गया था एज सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेट। मेयर ब्लेयर रीड ने ही चंबा में सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट करा था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट चंबा में सबसे पहले किसने स्टार्ट करा था? तो ये भी हमारे कौन थे, मेयर ब्लेयर रीड। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्लेयर रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द रूलर ऑफ इंदूर नालागढ़ व्हेन तैमूरलंग प्लंडर्ड द स्टेट। जब तैमूरलंग ने राज्य को लूटा था तब इंदूर नालागढ़ का राजा कौन था? ऑप्शन है संगाणाचंद, रूपचंद, आलमचंद या हरि सिंह। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आलमचंद। जिस टाइम पे तैमूरलंग ने हिमाचल में इन्वेड करा था उस टाइम पे जो हमारा हिंदूर है, हिंदूर का राजा था आलमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज मेड प्रधानमंत्री ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप इन 15 अगस्त 1947। सेटअप कहाँ हुई थी? थियोग में। ऑप्शन है हमारे पास सूरत राम प्रकाश, मेवाराम, बालक राम या हीरा सिंह पाल। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सूरत राम प्रकाश। सूरत राम प्रकाश को पीएम बनाया गया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो सेटअप हुई थी हमारी 15 अगस्त 1947 में, कहां पे, एट थियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश में तकनीकी एजुकेशन बोर्ड स्थित है। ऑप्शन है हमीरपुर, सोलन, धर्मशाला या शिमला। तो हमारे पास जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड का जो हिमाचल में है वो कहां पे है, धर्मशाला में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, धर्मशाला।
थैंक यू गाइस।